Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's assist classes. So class 8, as we all know, we're discussing the tribal societies and colonialism. So now what is tribal societies and colonialism is that कि हम लोग ने देखे हैं कि इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में भी हम लोग ने देखे हैं कि जो ब्रिटिशर्स आने के बाद, जैसे ब्रिटिशर्स आए एज अ ट्रेडर आने के बाद वो लोग ने क्या किया है कि हमारे विलेजेस में क्या किया है, दे ऑक्यूपाइड, अपनी सोवरेन पावर लगाए, अपने पॉलिसीज लगाए धीरे धीरे करके. वी ऑल नो दैट कि प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग देखे वॉर होते आया है, धीरे धीरे ब्रिटिश पावर अपने एरिया में पावर कंसोलिडेट करके गया है, पावर ऑक्यूपाई किया है. एंड पावर ऑक्यूपाई करने के बाद क्या होता है, मैंने बोला है जैसे कि कोई भी व्यक्ति एक जगह पे पावर ऑक्यूपाई करता है तो वो चाहता है कि वो एरिया में वो अपना थिंकिंग, अपने आइडियाज ले लगाए. और एज अ ट्रेडर ब्रिटिशर्स यहाँ पे हमारे देश को सुधारने नहीं आए थे, डेवलप करने नहीं आए थे. दे सॉ इंडिया एज अ मनी बैंक के रूप में देखे थे. और मनी बैंक के रूप में देखने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसीज अपनाए जिससे केवल और केवल ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहे थे. लेकिन उनमें से क्या था कि एक विलेजर्स में हम लोग ने देखे कि परमानेंट सेटलमेंट, ये सारी चीजें देखे और उससे असर पड़ा है ट्राइबल पीपल्स को भी. ऐसा नहीं है कि ट्राइबल पीपल को असर नहीं पड़ा है, ठीक है. सो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि ट्राइबल्स पीपल को किस तरीके से प्रॉब्लम हुआ है ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज के द्वारा. और प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा ये चैप्टर के कि हु आर ट्राइबल्स, ट्राइबल्स कौन है, ट्राइबल्स की सोसाइटी किस प्रकार की है, वो लोग का कस्टम्स क्या है, रीति रिवाज क्या है, और वो लोग का मेनली हम लोग ने क्या सोसाइटी देखे थे, ठीक है. तो ये सारी चीजें हम लोग देखे थे, वो लोग का इकोनॉमी देखे थे हम लोग, ठीक है. वो लोग कैसे करके अपना सामान वामान बेचते थे मार्केट में, ठीक है. वो लोग एक ऐसा जीवन था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाले जीवन जीते थे, सब्सिस्टेंस लाइफ जीते थे, जिसमें वो लोग मोस्टली देवेर कंज्यूमर्स, और यू कैन से प्रोडक्शन तो करते थे लेकिन अपने लिए ही प्रोड्यूस करते थे, मार्केट के लिए कम बेचते थे, ठीक है. मनी लेंडर्स से पैसा लेते थे, वो लोग झूमिंग कल्टीवेशन करते थे, दिस एंड ऑल दैट. सो नाउ अब ट्राइबल का वे ऑफ लिविंग, ट्राइबल क्या है, ट्राइबल एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक ही प्रकार के, अपना आइडेंटिटी होता है, एक लिंग्विस्टिक वो लोग का देखा जाए, एक डायलेक्ट, एक लैंग्वेज देखा जाए वो अपना होता है, वे ऑफ वर्शिप अपना होता है. कोई जगहों पे हम लोग ने देखे कि मैट्रार्कियल यानी कि पैट्रार्कियल ये सारी चीजें फॉलो की जाती थी, जहाँ पे ट्राइबल में जो एक हेड होता है वो फादर होते हैं या मेल होते हैं. लेकिन इफ यू गो टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे खासी, जनितिया, गारो, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक फीमेल जो होता है डोमिनेटेड सोसाइटी होते हैं, या फीमेल के द्वारा डोमिनेट किया जाता है अपने ट्राइब का, यानी कि हेड होते हैं, ठीक है. सो वो लोग का विधि व्यवस्था हम लोग ने देखे, वो लोग कैसे जी रहे थे, क्या कर रहे थे, वो हम लोग ने देखे. लेकिन अब हम लोग चैप्टर का नाम क्या है, ट्राइबल सोसाइटीज एंड द कॉलोनियलिज्म. अब फिर वो आप जाते हैं चैप्टर के टॉपिक में, तो एक बार समझते हैं कि जो ये ट्राइबल सोसाइटीज है उस पे कॉलोनियलिज्म जो आया हमारे ट्राइबल सोसाइटी में, उसने हमारे ट्राइबल सोसाइटी को कैसे इफेक्ट किया, यानी कि वो लोग का जीवन कैसे, मतलब बदलाव हुआ, वो लोग का जीवन में कैसे चेंजेस आए, वो हम लोग आज देखेंगे. सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसे लोग हैं जो कि मेन सोसाइटी से अलग रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, बहुत सारी चीजें वो लोग जंगल से लेते थे. तो अब कॉलोनियलिज्म आए तो उन लोग के जीवन में क्या बदलाव आया, वो लोग का जीवन में क्या सुधार तो आए नहीं लेकिन बदलाव ही आए हैं, लेकिन किस तरीके से आए, किस रूप से आए, और ब्रिटिश ने ऐसा क्या कर दिया कि वो लोग का जीवन बदल गया, और वो किसका रूप ले लेता है, रिवोल्ट का रूप ले लेता है. तो आज हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म रूल इन ऑन ट्राइबल्स. तो ट्राइबल्स का सोसाइटी हम लोग ने प्रीवियस क्लास में देखे थे, तो वो उसको देखते हुए आज हम लोग देखेंगे, उसी संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो ट्राइबल्स थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा है कॉलोनियल रूल का, ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक दिस, ट्राइबल कम्युनिटीज लिव इन आइसोलेशन. नो आइसोलेशन, अब आइसोलेशन तो अभी के दिन में आप लोग बहुत पढ़े से जानते होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस है भाई, कोरोना वायरस के टाइम पे क्या है ना, एक कमरे पे आइसोलेट होके रहना है, यानी कि किसी से संपर्क में नहीं आना. सेम अब वो वायरस के चलते नहीं है, लेकिन वो लोग का जीवन ऐसा है. क्यों? क्योंकि दे लिव्स इन आइसोलेशन, यानी कि लोग जंगल में रहते हैं, अदर जो सोसाइटी है उससे कट के रहते हैं, हट के रहते हैं, अलग से रहते हैं, ठीक है. वो लोग का जीवन ही ऐसा है और वो लोग वैसे ही रहते जीवन बिताते आए हैं सदियों से, ठीक है. दे वेर अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इंट्रूजन इन देयर एरिया. तो ओके,
फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है एक, ये एरिया में ट्राइबल्स रहते हैं ठीक, तो अगर कोई एक्स्ट्रा आ जाए सो तो दे डोंट वांट दिस पीपल टू कम इन दिस एरिया, तो कोई बाहर का इंट्रूजन आ जाएगा तो वो लोग को पसंद नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में भी इफ यू गो टू दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहां पे एक सेंटिनल आइलैंड है, वहां पे अभी भी बहुत पुराने ट्राइबल, बहुत लोग एक ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, वो ट्राइबल कम्युनिटी को शायद गवर्नमेंट ने भी प्रोटेक्ट किया है, वहां पे नहीं जाना है क्योंकि वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग वहां पे आए, ठीक है। तो वैसे कुछ कारण है ट्राइबल्स, तो दे वांट टू लिव देयर लाइफ इन देयर ओन वे, सिंपल सी बात है, ये कारण ये है कि वो लोग अपना जीवन अपने तरीके से रहना चाहते हैं, जंगली है, जंगल का रहेंगे, नेचुरली रहना चाहेंगे, सो बाहर के कोई भी इंट्रूजन आ जाता है तो वो लोग को दिक्कत हो जाता है, और वो लोग चाहते नहीं कि कोई बाहर के लोग आए। अब बाहर से तो लोग आ ही गए थे ब्रिटिशर्स, अब वो क्या करते देखते हैं। सो ट्राइबल एंसेस्टर्स, अब देखे ट्राइबल सोसाइटी में जो होता था, जो ट्राइबल एंसेस्टर्स होते थे, पूर्वज होते थे ठीक है, बुजुर्ग चीफ सरदार, इंजॉयड इकोनॉमिक पावर एंड हैड राइट्स टू गवर्न देयर टेरिटोरीज। तो ये पॉइंट समझो, तो ट्राइबल चीफ जो होते थे, हेड होते थे, सबको बताया ट्राइबल का क्या है, ट्राइबल्स में हेड होते हैं, ट्राइबल का चीफ या उनके एंसेस्टर्स जो थे, अपने पूर्वज जो थे, बुजुर्ग जो है, बड़े लोग जो है, तो वो लोग क्या इंजॉय करते थे, इकोनॉमिक पावर्स, यानी कि वो लोग के पास क्या था, इकोनॉमिक पावर्स, यानी कि आर्थिक रूप से भाई पावरफुल होते थे वो लोग के पास आर्थिक रूप से, क्योंकि भाई चीफ है, हेड है, ट्राइबल का सरदार है, कबीला का सरदार है, तो वो लोग के पास ये क्या होता था कि अपने पास एक मॉनेटरी पावर होता था ठीक है। और उतना ही नहीं, उन लोगों के पास अधिकार दिए जाते थे कि वो अपने टेरिटरी यानी कि जिस एरिया पे अपना ट्राइबल कबीले है उस एरिया पे वो लोग क्या कर सकता है, गवर्न कर सकता है या राज कर सकता है। ये किसके पास पावर था, आपका ट्राइबल चीफ या ट्राइबल एंसेस्टर्स के पास ये पावर थे, या पहले से चल के आ रहे थे कि ट्राइबल जो चीफ होता है, हेड जो होता है, उनके पास पावर रहेंगे कि वो ये ऐसा पावर रहेंगे कि वो अपने एरिया को, अपने टेरिटरी जहां तक एक सर्टन टाइप ऑफ ट्राइबल रह रहे हैं, द प्लेसेस वेयर सर्टन टाइप ऑफ ट्राइबल पीपल लिव, उस एरिया में वो लोग क्या कर सकते थे, गवर्न कर सकते थे, वो टेरिटरीज में वो लोग क्या कर सकते थे, गवर्न कर सकते थे, ट्राइबल चीफ। लेकिन जो ये ट्राइबल चीफ देख रहे हो यहाँ पे एक चीज, कि ट्राइबल चीफ को ये पॉइंट, ये लाइन पढ़ने के बाद हम लोग को ये पता चल रहा है कि ट्राइबल चीफ क्या था, एक ऐसा पोस्ट था जो कि काफी उत्तम दर्जे के थे एक कबीले में, एक ट्राइब में, समझ रहे हो बात को। तो यानी कि एक ट्राइब जो था, उस ट्राइब के जो एक कबीला जो है, उस कबीले में काफी उत्तम दर्जे में एक ट्राइबल चीफ का पोजीशन हुआ करता था। लेकिन ये पोजीशन जो होता है बेटा, धीरे धीरे कम होते जाता है। द पोजीशन ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज ड्रामेटिकली विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। सो लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ, द ट्राइबल चीफ, द पोजीशन ट्राइबल चीफ चेंज ड्रामेटिकली विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स आए, अब ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ कि ट्राइबल पीपल के जो थे, पोजीशन जो थी, जो एक पावर जो था, वो ड्रामेटिकली चेंज हुआ काफी बुरी तरीके से, और काफी देखते देखते बहुत भयंकर तरीके से वो चेंज हो गया। अब वो कैसे चेंज हुआ, अब ब्रिटिश आए, अब ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिश अब ट्राइबल पीपल को जानते ही नहीं है, अब ट्राइबल ब्रिटिश आ गए, गुजरात में रह रहे हैं, या एकदम कन्याकुमारी में रह रहे हैं, या मुंबई में रह रहे हैं, या मद्रास में रह रहे हैं, तो वो लोग वहां पे आ गया, तो ट्राइबल पीपल कहां दूर है, तो कैसे चेंज हुआ। तब चेंज हुआ जब ब्रिटिश पीपल क्या करते, इंटरफियर करना लग गए। देखो अब इंटरफियर कैसे किया है, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम लोग देखे हो कि जैसे कि फार्मर्स के लाइफ में जो कंट्री साइड के पीपल थे, विलेजर्स के पीपल थे, वो लोगों को काफी प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट लाए, रोहितवारी सिस्टम लाए, महालवारी सिस्टम लाए, यानी कि जितने भी एरिया को ब्रिटिश कवर किए थे वहां पे वो अपना पॉलिसीज लगाते गए। तो अब सारे एरियाज जहां ब्रिटिश लगाए थे वहां पे ट्राइबल पीपल्स भी रहे होंगे। अब ट्राइबल पीपल्स देख रहे हैं वो लोग का जीवन क्या है, जंगल से उठाना, जंगल से लेके आना, गैदर करके खाना, तो वो जीवन में भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ता है ब्रिटिश के आने के बाद। अब वो कैसे इफेक्ट पड़ता है वो देखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। Chiefs were allowed to keep their earlier title earlier, but were forced to follow British laws and had to maintain law and order in their tribe on behalf of the British. तो जैसे ही कि अब मान लो कि ये एक एरिया है,
ये फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा टाउन्स है, मार्केट्स है, तो ये एरिया तो मान लो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया है, ब्रिटिश ने, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये एरिया तो जंगल है, तो ये जंगल भी ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे फॉरेस्ट में अलग से ट्राइबल सोसाइटी यहाँ पे रह रहा है, ट्राइबल सोसाइटी यहाँ पे रह रहा है, तो ब्रिटिश जब यहाँ पे लगाएगा कोई भी पॉलिसीज तो ये एरिया में भी लग जाएगा, क्योंकि भाई ये तो ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया है। तो अब इसीलिए क्या होता है कि पहले पहले शुरुआत में ट्राइबल एरियाज को कवर करने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल को अपना जो चीफ था उस चीफ को अपना जो टाइटल था वो रखने तो दिया, वो अपने आप को सरदार, तुम कबीले के सरदार हो, तुम ट्राइब के सरदार हो, तुम ट्राइब के सरदार हमेशा रहोगे, ये टाइटल जो था किसका था, ट्राइबल चीफ का जो टाइटल था, ये टाइटल रखने का मौका उनको दे दिया गया। लेकिन लेकिन उनके बदले में क्या करना पड़ता, बट वे फोर्स टू फॉलो ब्रिटिश लॉज एंड हैड टू मेंटेन लॉ इन द इन द ट्राइब ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि चीफ को दे दिया कि भाई तुम चीफ ही रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स रिमेंबर द स्टोरी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, नवाब बंगाल में रहा सिराजुद्दौला को हराने के बाद ये मीर कासिम मीर जाफर को क्या करने लगे कि वो लोग बंगाल का नवाब तो बनने दिए, लेकिन वो लोगों को क्या किया, कठपुतली के रूप में यूज किए ना, तो ट्राइबल चीफ को भी ऐसा ही किया कि ट्राइबल चीफ को बोला कि भाई तुम चीफ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीफ के रहने के बदले में तुमको क्या फॉलो करना पड़ेगा कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा जो ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है, तो ऐसे लॉज एंड ऑर्डर्स को फॉलो करने पड़ेंगे जो ब्रिटिश के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, और उतना ही नहीं ब्रिटिश के पक्ष में या ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश तुम अपने कबीले में शांति बनाए रखोगे और ट्राइबल पीपल किसी भी प्रकार के बगावत नहीं करेंगे या रिवोल्ट नहीं करेंगे। ये सारे चीज देखने का काम किसका है, सरदार का है। ये किसने बोल दिया, ब्रिटिश ने बोल दिया, सरदार मतलब यहां पे क्या है, ट्राइबल चीफ। सो द ब्रिटिशर्स सेड दैट कि यू कैन कीप योर ट्राइब, यू कैन कीप योर टाइटल, यू कैन कीप योर टाइटल ऑफ द चीफ ऑफ योर ट्राइब, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू फॉलो द लॉज एंड ऑर्डर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स and you have to maintain law and order in your tribe in the behalf of British, yani ki British ke dwara ya British ke liye tum apne liye kya karoge, apne tribe mein shanti banaye rakhoge, theek hai। So dekho ab Britishers kya cha rahe the, dekho ab dekho ab 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 aa rahe hai ki wo log ke jeevan mein jaise ki chief dramatical ab kaise change aane lage, wo log ka jeevan mein kaise badlav aane lage, wo ab hum log dekhenge, theek hai। Jaise ki Britishers wanted to transform the tribal communities to settled ones as it was easier to administer the settled communities. So now let's talk about villages. So villages में farmers क्या होते थे कि the farmers जो होते थे कि भाई एक ही जगह रहते थे, एक ही जगह farming करते थे, हर साल वहीं पे farming करेंगे, वहीं पे रहेंगे, वहीं पे मरेंगे, सब कुछ वही करेंगे, तो एक जगह पे सब कुछ एक ही जगह पे है, सब कोई एक ही क्लास में रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ही क्लासरूम में पढ़ाने जाऊँ तो क्लास 9 का बच्चा यहाँ पे एक है, क्लास 10 का बच्चा वहाँ पे है, क्लास 5 का यहाँ पे, क्लास 6 का अलग अलग है, अगर मुझे अलग अलग जाके अलग अलग से पढ़ाना पड़ा तो मुश्किल रहेगा ना। तो अगर मैं चाहूँ कि एक क्लास के बच्चे एक ही जगह रहे तो वैसे ही होता है क्लासरूम में, तो वो हमको पढ़ाने में भी आसान रहेगा और वो लोग आराम से बैठ के पढ़ेंगे। अब देखो वही चीज होता है रूलिंग के साथ, यदि सारे लोग एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही गांव में रह रहे हैं, या एक ही गांव में सब तो नहीं रहेंगे लेकिन अलग अलग गांव है, लेकिन वो लोग गांव से छोड़ के नहीं जाएंगे, वो लोग परमानेंटली वहीं पे रह रहा है, सेटल्ड है वहीं पे, तो वैसे कम्युनिटीज को क्या करना, रूल करना आसान पड़ता है, ब्रिटिशर को एडमिनिस्ट्रेट करना आसान पड़ता क्योंकि वो लोग ने विलेजेस में जितने भी यू कैन से विलेजेस में वो लोग ने क्या किए थे, बहुत सारे सेटलमेंट्स लाए थे, परमानेंट सेटलमेंट लाए थे, रोहितवरी महलवरी, आई होप यू कैन रिकॉल दैट, तो वो लोग को आसान हो गया था वो छोटे से एरिया को क्या करने के लिए, या छोटे से लोगों को एडमिनिस्टर करने के लिए, या रूल करने के लिए, या वहाँ पे अपने पॉलिसीज लगाने के लिए, क्योंकि वो लोग सेटल्ड कम्युनिटीज ना थे बेटा, क्योंकि वो एक ही जगह में ना रहने वाले थे, क्योंकि वो लोग जगह छोड़ के जाने वाले नहीं थे। अब बात रही ट्राइबल्स की, ट्राइबल्स जो है कि भाई एक जगह रहने वाले लोग नहीं है, आज यहाँ पे है तो कल वहाँ पे भी जा सकते हैं, भाई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है,
वो लोग जंगल में रहते हैं, तो आज जंगल किस कोने में है तो परसों उस कोने में है, फिर अब पता नहीं एक दो महीने के बाद कहां पहुंच जाए किसी को पता नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि वो लोग चाह रहे थे कि ट्राइबल कम्युनिटीज को क्या करें, एक सेटल्ड वंस, जैसे कि गांव में आप हम लोग जैसे रहते हैं वैसे ही सेटल्ड कम्युनिटीज में वो लोग को बैठाया जाए, एक एरिया दिया जाए और वहीं पे वो लोग अपना काम करेगा। अब ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ये इजियर, इजियर टू एडमिनिस्ट्रेट द सेटल्ड कम्युनिटीज। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज को एक ही जगह रखेंगे, वो लोग एक ही जगह रहेंगे, घूमेंगे नहीं फिरेंगे नहीं, तो हम लोग को क्या होगा, आसानी होगा उस कम्युनिटी को हम लोग को क्या करने में, एडमिनिस्टर करने में या रूल करने में। ये सोच थी किसकी, ब्रिटिशर्स की। इज दैट क्लियर। ब्रिटिशर्स ट्राई टू स्टॉप झूम फार्मिंग बट वॉज नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू ड्राई सॉइल एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स ये था कि ब्रिटिशर्स को पास ये प्रॉब्लम था कि भाई यदि वो लोगों को सेटल्ड कम्युनिटी में रखना है तो सबसे पहले वो लोगों को क्या हटाना पड़ेगा, झूम फार्मिंग को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि झूम फार्मिंग मतलब ये है कि आज यहाँ पे खेती कर लिए जंगल काट के, फिर अगले दिन अगले दो तीन साल बाद फिर जाके दूसरे जगह में चले जाए, फिर तीसरे जगह पे, फिर चौथे जगह पे। तो ऐसे करते करते जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे वो लोग सेटल्ड नहीं थे, कहने का मतलब क्या थे, सेटल्ड नहीं थे, दे वर नॉट सेटल्ड। तो दे वर नॉट सेटल्ड इन अ सेंस कि वो लोग एक जगह नहीं रहते थे, ठीक है। और ब्रिटिश चाह रहे थे कि वो लोग झूम फार्मिंग को अगर रोक दे, झूम एग्रीकल्चर को रोक दे, और झूम एग्रीकल्चर को रोकने के बाद वो लोग एक जगह स्थित कर दे, सेटल कर दे, तो क्या होगा, उसके बदले में वो लोग वहां पे वो लोग आसानी से रूल कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स, क्यों, क्योंकि झूम फार्मिंग नहीं रोक पाए, क्योंकि ड्यू टू ड्राई सोइल, बहुत सारी जगह पे सोइल ड्राई था, बहुत सारी जगह पे पानी की कमी मिल रही थी। तो ट्राइबल्स ऐसे जगह पे झूम फार्मिंग करेंगे जहां पे सोइल क्या हो, फर्टाइल हो, और एट द सेम टाइम वाटर भी वो लोगों को मिले। तो ट्राइबल्स याद है कि एक जगह रुकते नहीं थे भाई बंदा, क्यों, क्योंकि भाई पानी नहीं मिल रहा है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, सोइल भी ड्राई है, तो भाई वो लोग छोड़ के जाएंगे ना भाई, कोई बंजर जमीन में रहने वाला नहीं है। तो जितना हो झूम को कोशिश किया कि ब्रिटिश ने कि रोक दिया जाए, लेकिन दे वर नॉट सक्सेसफुल टू स्टॉप द झूम एग्रीकल्चर। ओके, झूमिंग कंटिन्यूड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो इसीलिए झूमिंग जो फार्मिंग था स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, जो हम लोग बोले तो आसाम ये सब में, तो झूमिंग जो था ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी फेमसली क्या होते गए कि पॉपुलर होते गए, और यू कैन से कि भले ही जितना हो कोशिश करने के बाद भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसके सराउंडिंग्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट के चारों ओर जितने भी एरियाज है वहां पे झूमिंग एग्रीकल्चर होते गए। तो देखो अब ये ब्रिटिशर्स का कोशिश है कि ट्राइबल्स को सेटल कम्युनिटीज में बनाने का। तो देख रहे हो यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि चीफ को पहले ललकारा, उसके बाद तो सेटल कम्युनिटीज में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, लेकिन सेटल कम्युनिटीज में कन्वर्ट तो किए लेकिन झूमिंग फार्मिंग तब भी वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखते हैं और आगे क्या होते हैं। अब इतना भी किया कि भाई वो लोग ट्राइबल पीपल का जो भी था, द ब्रिटिश टुक अवे द लैंड्स ऑफ मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज का लैंड वो लोग ने क्या कर लिए, छीन लिए। कौन, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स क्या किए कि द ब्रिटिशर्स टुक अवे द लैंड ऑफ मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज। अब क्यों लैंड लिए थे भाई, क्यों भाई, वो लैंड क्या किसका रहेगा, ब्रिटिश का रहेगा भाई। अब उस लैंड में अधिकार ब्रिटिश का होगा, तुम लोग उस पे बैठ के क्या करोगे, खेती करोगे, काम करोगे और भाई टैक्स दोगे। सिंपल सी बात है, सेटल कम्युनिटीज बनाने के पीछे कारण यही था कि वो लोग सेटल कम्युनिटीज में रखेंगे, तो सेटल कम्युनिटीज में जब वो लोग रहेंगे तो सेटल कम्युनिटीज में रहने के बाद वो लोग क्या करेंगे भाई, रेवेन्यू देगा, टैक्स देगा जमीन का। तो ब्रिटिशर्स को क्या लग रहा था कि भाई ये ट्राइबल पीपल्स जब एक जगह पे नहीं रहेंगे तो भाई वो लोग के ऊपर रूल करना क्या हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, इट विल बी नॉट इजी। तो इसीलिए वो लोग उसको क्या कर रहे थे, सेटल कम्युनिटीज में